जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों, जो आज का वीडियो स्पेशली ये है सैलरी पे, जितने भी डिफेंस है आपको पता है CAPF में 8 जो डिफेंस आते हैं उनके बारे में, जो सैलरी की जो नई अपडेट है और जिनको नया फ़ायदा होने वाले, जितने भी मेरे दोस्त अब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी सेंट्रल आर्मड फोर्स में जो ज्वाइन करने वाले हैं, आर्मड पुलिस फोर्स में जो ज्वाइन होने वाले हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है सैलरी में। जितनों को पहले जो ज्वाइन कर रखे हैं, चाहे 2003 बेच के, 4 बेच के, 5 बेच के, या 10 बेच के, या 15 या चाहे 17 बेच के, उनसे उनको काफ़ी ज़्यादा एडवांस सैलरी मिलने वाली है। और उसका हाँ, बेशक उनकी सैलरी उनसे कम होगी, लेकिन कुछ प्रॉफिट ऐसे हैं जो इनको इस बार मिलने वाले हैं। वो चाहे आप उनके चाहे लक मान लीजिए, या जितने भी दोस्त आप आर्मड फोर्स को या कोई भी डिफेंस को, चाहे आप ट्रेड में, पैरामेडिकल स्टाफ में, या कांस्टेबल GD के रूप में, या किसी भी रूप में अगर आप फोर्स के मेंबर बन रहे हो, तो आपको सैलरी में कुछ फ़ायदे होने वाले हैं। और जो नई अपडेट अभी सैलरी के हिसाब से, उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपकी जो ट्रेनिंग की सैलरी है अब कितने रुपए मिलेगी। आज तक जो मैंने वीडियो बनाए थे उनमें आपको मैंने बताया था जो पिछली सैलरी के हिसाब से, यानी हमारे ट्रेनिंग में हमको कितने मिले थे उस हिसाब से मैंने बताया था। लेकिन अब जो नई अपडेट है या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नया डिसीजन है सैलरी को लेके, उसके हिसाब से आपको कितनी पैसे मिलेंगे ट्रेनिंग में, यानी काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। जितने भी मेरे दोस्त अब ज्वाइन करने वाले, हमारे से ज़्यादा उनको फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि हमारे वाला जो बेस था उससे पहले वाले बेस को ट्रेनिंग में कुछ ऐसे पेमेंट थे जो नहीं मिलते थे, जो हमारे से शुरू हुए थे, तो हमको वो पेमेंट ट्रेनिंग में मिलना शुरू हो गए थे, जबकि उनको वो ट्रेनिंग में पैसा नहीं मिलता था। जैसे हमको HRA मिलना शुरू हो गया था, उनको HRA ट्रेनिंग में नहीं मिलता था। इसी प्रकार से इस बार अब जो ज्वाइन करने वाले हैं, यानी 2021 के बाद में या 2021 में जो ज्वाइन करने वाले हैं, उनको सैलरी में काफ़ी बेनिफिट होने वाले हैं। ट्रेनिंग टाइम से ही उनको सैलरी अच्छी मिलने वाली है, और किस प्रकार से मिलने वाली है, हर एक डिपार्टमेंट के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, और कितना उनको एक्स्ट्रा मनी मिलने वाला है तुलना करें पहले वालों की बजाय। हाँ, उनकी सैलरी उनसे कम रहेगी, वो तो हमेशा रहेगी, लेकिन उनको एक फ़ायदा होने वाला है। एक उनका एक लक और बढ़िया काम किया वो ये है कि कोरोना काल की वजह से जितने भी डिफेंस फोर्सेज थे उनमें 3-3 DA, यानी एक साल में 2 बार DA लगते हैं। मैं हर एक वीडियो में बताया, जो सैलरी पे बनाया उस पर जरूर बताया, एक साल में 2 DA लगते हैं, एक जनवरी में, एक जुलाई में, और एक फिर जनवरी, यानी 3 DA इस बार माइनस कर दिए गए थे, नहीं जोड़े गए थे पेमेंट में। और सर गवर्नमेंट की तरफ से आह्वान आया था कि ये तीनों इन तीनों DA में जितना परसेंटेज बढ़ता है, यानी अगर 1 DA में 4% बढ़ता है, 4, 4, 8, 4, 12, तो 12% आपके चौथे DA जो जुलाई में लगेगा उसमें बढ़ा दिया जाएगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, जो जुलाई से पहले ज्वाइन करने वाला उसको भी कितना परसेंटेज मिलेगा, 12% DA मतलब प्लस हो जाएगा उनका भी ऑटोमेटिकली, तो उनको ये फ़ायदा होने वाला है। उसके अलावा और क्या क्या चेंजेज हुए उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो ट्रेनिंग की बेसिक पे होती है और ट्रेनिंग के बाद की जो बेसिक पे होती है उसमें क्या अंतर होता है, जैसे अगर आप 21,700 से ज्वाइन करने वाले हो, दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ, इस बार आपको जो DA मिलने वाला है वो 10% मिलने वाला है। ये भी खुशी की बात है, इससे पहले 10% DA नहीं मिलता था ट्रेनिंग में, अब आपको DA जो मिलने वाला है ये हो रहा है। 2016 के जो 16 जो पे कमीशन लगा था अभी, ऑटो पे कमीशन, उसकी वजह से 2016 में 7th पे कमीशन जो लगा था 2016 में, उसकी वजह से ये आपको इस बार अब जो ज्वाइन करने वाले हैं उसको 10% DA मिलने वाला है। ये नहीं 21,700 प्लस 10% आप DA अगर लगा लें तो 2100 रुपये ही आपके 2170 रुपये DA के, यानी 24,770 रुपये आपके हो गए केवल DA और बेसिक पे। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि HRA का भी रूल आ गया, अब आप ट्रेनिंग जिस दिन से आप ज्वाइन करोगे उसी दिन से आपको HRA मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इससे पहले यह था कि जब तक आप ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करते आपको HRA नहीं मिलता था, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि HRA आपको, यानी होम रेंट अलाउंस है जो आपका, वो आपको जिस दिन ज्वाइनिंग कर लोगे उसी दिन से मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको मान लीजिए कम से कम अगर 2,500 से 3,000 रुपये के आस में, किसी का 5,400 भी है, किसी का 3,600 भी है, और किसी का 2,000 भी दिए, यानी वो 8% होता है आपकी पेमेंट का, 8%, 16% और 24%। अगर आप मान के चलिए किसी का 8% या किसी का 3,000 प्लस होता है 3,600 या किसी का 1,800, तो अगर 24,000 में अगर आप 3,600 प्लस करोगे तो 27,500 रुपये, ये आपकी नॉर्मल से 27,600 या 700 रुपये, ये तो होगी आपकी नॉर्मल पे, यानी जो इसमें तो इसके अलावा और कुछ नहीं जोड़ा गया। अब इसके अलावा राशन मनी भी ऐड होता है 3,600 रुपये प्रेजेंट टाइम में, जैसे राशन मनी है सभी पैरामिलिट्री फोर्सेज में, तो 30,000 कुछ रुपये आपके 31,000 के समथिंग पेमेंट में आएंगे। लेकिन जो राशन मनी है वो आपको प्रेजेंट टाइम में, ट्रेनिंग टाइम में या सभी हमेशा जमा करानी पड़ती है, बाद में भी जमा करानी पड़ती है, लेकिन जब आप छुट्टी में रहते हो तभी आपको राशन मनी मिलती है, तो वो फ़ायदे में रहते हो। लेकिन ट्रेनिंग में तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आप ट्रेनिंग में रहोगे, ज्वाइन करने के बाद में तो घर पर रहोगे नहीं, तो आपको हर वो पैसा सारा का सारा जमा कराना पड़ेगा।
लेकिन अगर 27,500 प्लस इसके अलावा अगर आप और छोटे मोटे अलाउंस जैसे ड्रेस लेंस अलाउंस छोटा जो मिलता है या रम अलाउंस मिलते हैं, इस प्रकार के सोप अलाउंस मिलते हैं 128 रुपये, मतलब हर महीने कुछ इस प्रकार के अलाउंस होते हैं जो 500 से 700 या 1,000 रुपये के समथिंग ये अलाउंस बनते हैं। यानी 27 प्लस अगर आप 1,000 करो तो 28,000 के समथिंग आपके जो ट्रेनिंग में बेसिक पे यानी आपको जो पेमेंट अकाउंट में मिलने वाली वो इतने रुपए मिलने वाली है। इसमें से आपका पैसे नहीं लिए जाएंगे, वो मेस कटिंग है जो आपकी मेस की जो मनी है वो अलग से होती है, वो इस पैसे में काउंट नहीं की जाएगी। दोस्तों अब कईयों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर हमारी जो ट्रेनिंग समय में हमको जो पेमेंट मिलती है क्या वो सभी बच जाती है या उसमें से कितना खर्चा होता है। कई लोग बोलते हैं पूरी की पूरी पेमेंट खर्च होता है। देखो पूरी की पूरी पेमेंट खर्च नहीं होती है कभी भी, ये आपसे ज़बरदस्ती खर्च नहीं कराई जाती है, ज़बरदस्ती आपसे पैसे नहीं लिए जाते। लेकिन होता यह है कि ट्रेनिंग में आपकी हार्ड ट्रेनिंग होती है तो आपको खाने पीने पर थोड़ा सा शरीर पर आपको खर्च करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो ट्रेनिंग आसानी से नहीं कर पाओगे क्योंकि ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत है, आपको रात दिन भागना पड़ता है, दौड़ भाग चलती रहती है, तो इसलिए ट्रेनिंग पर काफ़ी फोकस रहता है और ट्रेनिंग में आपको खर्चा उसकी वजह से 2-3 हज़ार रुपये आपका एक्स्ट्रा खर्च मान लीजिए, जो आपका बेसिक खर्चा होता है 1,000-1,500 रुपये तो वो 2-3 हज़ार मान लीजिए, 1,000-1,500 के बजाय 2-3 हज़ार। जैसे आप ड्राई फ्रूट्स अच्छे खाने होंगे, फल फ्रूट आपको अच्छे खाने होंगे आपके शरीर के लिए, वो आपके शरीर के लिए आप खर्च कर रहे हैं, किसी और के शरीर के लिए आप खर्च नहीं कर रहे, अपने शरीर के, उससे आपका शरीर बनता है, उतनी मेहनत होती है जिस हिसाब से आपको खाना ही पड़ता है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर तो फिर खाना अच्छा नहीं मिलता, खाना अच्छा मिलता है, खाना देखो एक मेन्यू के हिसाब से मिलता है सभी को और अच्छा खाना मिलता है ट्रेनिंग में, लेकिन एक मेन्यू है वो, उससे ज़्यादा आपको नहीं, लेकिन आपकी जो मेहनत होती है ट्रेनिंग में वो एक्स्ट्रा मेहनत होती है। आपका इससे पहले का जो आपका शरीर है वो कईयों का बहुत कमज़ोर होता है, कई तो जो राजस्थान हरियाणा पंजाब इधर से बिलोंग करते हैं, कुछ घर में घी दूध खाए भी रहते हैं, उनका शरीर पहले से ही मजबूत होता है, ठीक है, या जो मांस मीट खाए हुए रहते हैं उनका शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होती, अच्छा मजबूत शरीर होता है उनका, तो उनको ट्रेनिंग में भी ज़्यादा परेशानी नहीं होती, वो लठफाड़ लोग होते हैं तो। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो गरीब घर से मान लो, या कुछ ऐसे मतलब मेरे दोस्त जिनको खाने पीने का ज़्यादा शौक नहीं रहता, या कुछ ऐसे लोग जो सिटी में रहते हैं तो उनको अच्छी स्वस्थ चीज़ें खाने को नहीं मिलती, तो उसकी वजह से उनका शरीर कमज़ोर होता है। लेकिन ट्रेनिंग में ये थोड़ा ना देखा जाता भाई तू पहलवान है तू कमज़ोर है तेरे को नहीं करना, दोनों को ही काम करना पड़ेगा, इसलिए खाने पीने पर वो खर्च हो जाता है तो वो 2-4 हज़ार रुपये आपके ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आपका महीने का ये मान के चलिए 25,000 रुपीज़ आपको सैलरी ट्रेनिंग में मिल जाती है। इसके अलावा अगर बाद में अगर सैलरी की बात करें तो दोस्तों ट्रेनिंग के बाद में इसमें जैसे 28,000 आपकी मैं सैलरी बता रहा हूँ, इसके अलावा आपकी जो जैसे कम से कम अगर आप मान के चलिए तो 9,000 रुपये प्लस आपकी सैलरी हो जाती है, 9 से 10,000 रुपये, तो अगर 9,000 भी प्लस होती है तो आप ये मान के चलिए 37,000 जैसे आप ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे तो 37,000 रुपीज़ आपको पर मंथ मिलेगी विदाउट राशन मनी, यानी कि 35 से 36 या 27,000 से 37,000 रुपये आपको कम से कम रिस्क अलाउंस वाले एरिया में आपको ये पेमेंट मिलेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप 17,000 रिस्क अलाउंस वाले एरिया में जाते हो तो 45,000 के समथिंग आपकी 45,000 से 50,000 के बीच में आपकी पेमेंट हर महीना बनेगी, बहुत ही अच्छी पेमेंट पे स्केल है। अब अगर बात करें अलग अलग डिपार्टमेंट से तो दोस्तों BSF में जैसे मैंने बताया कि अगर आप हाई रिस्क अलाउंस वाले एरिया में जाते हो तो आपको ये पेमेंट मिलती है 45,000 से 50,000 के बीच में ट्रेनिंग करने के बाद ही। अगर आप उससे लो नीचे में जाते हो तो 35 से 40, और उससे कम जाते हो तो भी कम से कम आपको 34 से 35 हज़ार रुपये के समथिंग पेमेंट पहले स्टार्टिंग में ट्रेनिंग के बाद मिलती है। और अगर सभी डिपार्टमेंट का देखो ओवरऑल तो यानी कम से कम आपको 35,000 रुपये औसतन आपको हर महीना मिलता है ट्रेनिंग के बाद, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक 45 से 50 हज़ार के बीच में रहता है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग सैलरी पेमेंट पैकेज होता है अलग अलग एरिया में। जैसे जम्मू में अगर BSF का जवान ड्यूटी करा तो उसको 20,400 रिस्क अलाउंस मिलता है, तो 35 तो ये मान के चलिए 28 प्लस 20 48,000 रुपये उसको हर महीना 48 से 50 हज़ार रुपये के बीच मिलेगा अगर कोई जम्मू में ड्यूटी करेगा। CRPF में तो उसको कश्मीर में सबसे ज़्यादा पेमेंट मिलता है, कोबरा में सबसे ज़्यादा पेमेंट मिलता है, BSF में बॉर्डर पे हो गया, CISF में तो उसमें भी कश्मीर में सबसे ज़्यादा रिस्क अलाउंस मिलता है, और अगर ITBP में तो उसको भी टेरेंस के अलावा यानी जहाँ पर हार्ड उनकी ड्यूटी है उसके हिसाब से अलग पेमेंट ज़्यादा मिलता है। असम राइफल में उनकी भी कुछ बटालियन है जिनमें हाई रिस्क अलाउंस होता है, कईयों में कम होता है, तो उसके हिसाब से ड्यूटी के हिसाब से आपका रिस्क अलाउंस एसोसिएट होता है। लेकिन जो मिनिमम आपका पेमेंट रहने वाला वो 35,000 रुपये हर महीना रहने वाला, 35 से 37 हज़ार रुपये ट्रेनिंग के बाद में। दोस्तों तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा आपको तो लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों में। जय हिंद, जय भारत।